हेलो। तो देखिए, मैं ग्रुप डिस्कशन टॉपिक चल रहा है। तो देखिए क्या है कि ग्रुप डिस्कशन में ना हम लोगों के माइंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन इन द सेंस हम नए आइडियाओं के लिए रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन डिबेट में क्या हो सकता है कि हो सकता है दो पार्टी ना हो, दूसरे की बात मानने के लिए राजी ना हो। क्योंकि वैसे मान लिया बिल होता है पार्लियामेंट में, मतलब रखा जाता है, तो उसमें क्या है कि उस बात पर डिबेट की जाती है। अब जो बात डिबेट में साबित हो गई वो बात मान ली जाएगी। द एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू कलेक्टिवली रीच अ पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट अमंग ऑल मेंबर्स। ग्रुप डिस्कशन ऑफन एंड विद द शेड ऑफ ग्रे। देर आर नो डिस्टिंक पार्टीज टू आर्ग्यू। ग्रुप डिस्कशन आर फॉर पीपल विद एन ओपन माइंड। वी स्टेट व्हाट वी बिलीव इन। ठीक है, हमें जो लगता है हम अपनी बात रखेंगे, बाकी पार्टी के ऊपर है धीरे धीरे करके किस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सब लोगों की अच्छी बुरी बात, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सब बात रखे जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं ग्रुप ऑप्शन एंड विद शेड ऑफ ग्रे। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब देखिए एक बात और है कि ग्रुप डिस्कशन होता क्यों है ना। सबसे बड़ी बात आएगी, मतलब कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हो सकता है, देखिए जैसे आपने ज़्यादातर देखे होंगे कि डिस्कशन होते हैं, कोई किसी भी बात पे क्लियर तरीके से बात नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो शेड ऑफ ग्रे का मतलब ये रख यहाँ ये है कि ये बात का फैसला ही नहीं हो पाया कि कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज ए स्मार्ट वे ऑफ रिक्रूटमेंट। इट सेव्स टाइम एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स। और डिस्कशन चलता ही रहता है ना, ये टाइम को सेव करता है, इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा देता है, ये स्मार्ट वे है। ये बात आई, अब देखिए होता क्या, पर्पस में बात कही जा रही है। दो ये लाइन लिखी है फिर लिखा जाएगा, इट इज फॉर अवेयरनेस। अब किसी बात पर आ रही तो क्या सोसाइटी में चल रहा है वो अवेयरनेस देता है। कम्युनिकेशन स्किल बनाता है हमारी को, है ना, हम सब लोगों के सामने बोलते हैं तो इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देता है हम, ताकि हम सब लोगों के सामने कुछ डिस्कस करेंगे तो अपनी बात रखेंगे। इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करता है, अपनी इंटरपर्सनल मतलब विद इन द पर्सन की स्किल है। ठीक है, लीडरशिप स्किल भी करता है, टीम प्ले का रोल करता है। तो ये कुछ अवेयरनेस करने के लिए है ना, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए ये ग्रुप डिस्कशन की बात की जा रही है। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स। ये भी कह सकते हैं लर्निंग समथिंग न्यू। इट सेव टाइम्स and provide more information about the individual and also about the topic. There are some other ways such as awareness or the current happening. We can discuss all those things. For example, now we can discuss that what is the role of education in the current contemporary scenario. Communication skills develop करता है ना, effective presentation को बना रहा है हमारा, interpersonal skills करते हैं, leadership skill, तो ये सब वाली बात होगी। ठीक है, team play मतलब cooperation में काम करने के लिए हमें वो कहता है समिंग अप द अबाउट द एटीट्यूड। अब देखिए ये वाली बात, अब ये कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से हम इन सबको सम अप करेंगे। हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये बात कही जाएगी जैसे किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप में। तो देखिए, क्लैरिफाई वेदर ऑल आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक। सबसे पहले अगर कोई मान लीजिए, अगर इस टीचर जो है, अगर कोई पॉइंट क्लियर किया जा रहा है, कोई पॉइंट रखी जा रही है बात, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर किया जाएगी, आप सब लोग इस बात पर राजी हैं, एग्री करते हैं कि हम इस बात पर डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं। सेकंड नंबर, हमें या तो कोई पहले क्लियर कर देंगे कि हम इसके नेगेटिव पहलू को रख के चलेंगे, पॉजिटिव पहलू को रख के चलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट रखेंगे कि अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, और टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे अपने बैठ के, या मतलब जो भी कर रहे हैं अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ट्राई टू हैव बेटर नॉलेज, ट्राई टू हैव बेटर नॉलेज की जगह में ये लिख सकता हूँ यहाँ, ट्राई टू हैव द डेप्थ नॉलेज, है ना, ट्राई टू हैव द डेप्थ, डीप एंड डेप्थ नॉलेज, डीप, ठीक है ना, ठीक है, डीप नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपके पास डीप नॉलेज नहीं है, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे बातों को। स्टार्ट द डिस्कशन विद अदर देन वेटिंग फॉर अदर्स टू स्टार्ट। अब कहने का मतलब यह है कि
डिस्कशन में ये भी हो सकता है कि अगर लोग ज़्यादा एक्टिव हैं तो दे विल नॉट प्रोवाइड प्रोवाइड अस चांस टू स्पीक. सो वी हैव टू गेट द अपॉर्चुनिटीज, वी हैव टू कैच द अपॉर्चुनिटी, नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू कैच द अपॉर्चुनिटीज. ये एक बहुत बड़ा तरीका है ना, डोंट वेट फॉर देयर, एज यू गेट द टाइम टू स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग. एंड आई वॉन्ट टू से लाइक दैट, इन माई ओपिनियन इट्स लाइक दैट, यू कैन चेंज लिटिल एंड कैन स्पीक लाइक दैट. और आपको ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं यूज करनी सो दैट अब वो दूसरों की समझ आए. हमें वी हैव टू यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, स्माइल वैल यू स्पीक. और स्माइल वैल यू स्पीक्स मतलब ये कॉन्फिडेंस भी करता है, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये बात है ना. गिव वर्दी पॉइंट्स, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल पॉइंट्स वो दे रहे हैं जो दे हैव नो यूज. गिव अ रिलेवेंट टॉपिक, स्पीक समथिंग विच इज रिलेवेंट टू द टॉपिक. और दूसरों को ऐसा कीजिए कि गेट अदर्स इंगेज इन योर टॉपिक, है ना, इन योर टॉक. What be a talking, you know, use your hands while you speak. इससे क्या होता है कि communication को effect बनाते हैं, है ना. Try to get others involved in your speech, है ना. Don't argue, और argue नहीं करना, ये कोई debate नहीं है जो हम logical तरीके से बताएं. लेकिन हाँ ये है, आप इसमें logic तो देंगे ही, कोई बात नहीं. देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं. Do not give only negative points, agree the fact. और अगर कोई बात सही है, मैं पहले कह चुका हूँ, ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप इस बात के लिए ओपन रहेंगे, ना कि आप मतलब ऐसे रहेंगे कि जिस जो बात आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब आप दूसरे बात सुनना ही नहीं चाहते. दूसरे बात को सुनो, डोंट डिफेंड बट आस्क क्वेश्चन, है ना. अगर कोई बात है तो डिफेंड मत करिए उस बात को, बोले उस पर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि क्या आप हमारे नियम में इस तरीके से इस काम को कैसे करेंगे, तो हमें उसकी बात समझ में आएगी, ठीक है. अब देखिए ये वाली बात आ गई है कि लिसन वाइल अदर्स स्पीक, जब दूसरे सुन रहे हों, जब दूसरे बोल रहे हैं तो उस बात को सुनो, है ना, नॉड योर हेड, ठीक है. ये भी लिखा गया है. अब देखिए डोंट इंटरप्ट, है ना, ये भी बताया गया है कि दूसरों को इंटरप्ट मत कीजिए जब दूसरा बोल रहा हो. कम से कम इससे ये बात पता पड़ती है कि हम दूसरों को बातों को कितना सुनना है, ठीक है ना, ठीक है. देखिए यहाँ जो नोड और हेड का मतलब ये है कि आप इस बात को मूवमेंट से शो करें, है ना. मैं लिख दे रहा हूँ यूनिट हेड कमेंट, मूव आर हेड, है ना, अप एंड डाउन टू शो दैट वी आर, है ना, वी डू एग्री, ठीक है, एग्री ठीक है ना, ठीक है. तो ये वाली बात है, इनमें चलिए लिखाने की अलग बात है. डोंट इंटरप्ट वाला दस, दूसरे बोल रहे हैं तो उस बात को सुनो, ना कि बीच में बोल लो. गिव इनफ टाइम फॉर अदर्स, और दूसरों को टाइम दो. आस्क अदर्स टू स्पीक, और दूसरों से अगर जैसे ऐसे नहीं कि आप लाने, ये भी कह सकते जैसे नाउ आई एम गिविंग द आई एम कॉलिंग अदर पर्सन इफ एनीबडी हैज सम रिजेक्ट सम अदर पॉइंट देन दे कैन डिस्कस द पॉइंट्स, ठीक है. तो इस तरीके से बात कही जा सकती है. अब ना देखिए आगे चलते हैं. आस्क द पार्ट हेल्प अदर्स वाइल दे फाइंड डिफिकल्टी, अगर कोई दूसरा बंदा बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप उसके मदद कर सकते हैं. रिजॉल्व द कंट्रोवर्सीज, वर्क टूवर्ड अ कॉमन एग्रीबल कंक्लूजन, वर्क टूवर्ड अस अ कॉमन एग्रीबल कंक्लूजन. और कॉमन कंक्लूजन क्या निकलता है उन सबको आप कर सकते हैं. बी टाइम कॉन्शियस, और टाइम कॉन्शियस को करिए आप, ट्राई टू कंक्लूड विद इन द गिवन टाइम. और ये नहीं कि आप खींचे ही जा रहे हैं टाइम को, हमें हमेशा ये देख के चलना है कि हमें कितना टाइम ले लिया हमने. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन देखिए मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, है ना, लास्ट वाली वीडियो में. आई थिंक दिस इज़ फॉर यू. और अगर ये बस नहीं समझ आए तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. ग्रुप डिस्कशन में डिबेट में फ़र्क है. डिबेट में ये होता है कि हु इज़ राइट, एंड ग्रुप डिस्कशन ये होता है व्हाट इज राइट. सब लोगों की बात मानी जाती है. ग्रुप डिस्कशन इज एन इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी, है ना, वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक. इट्स शेयरिंग ऑफ हर ओपिनियन.
एक इंटरेस्टिंग तरीका है जिस तरीके से अब हम अपने नॉलेज को दूसरे के नॉलेज को शेयर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओपिनियन रखते हैं दूसरे के सामने। ये एक ओपन तरीका है जिसमें बातों को समझा जाता है इन ऑर्डर टू रीच अ कंक्लूजन, और उस किसी को हम डिस्कस करते हैं, है ना, ओपनली, ताकि हम एक नई कंक्लूजन पहुँचे। द ग्रुप इज विद इन द सेम विद इन द डिस्कशन इज विद इन द सेम ग्रुप, है ना, एंड इज अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। देयर इज नो टू पार्टीज लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। एंड वी जस्ट एक्सप्रेस व्हाट वी बिलीव इन। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। Everybody is able to, you know, say something, anything, either negative point or positive point. The group discussion में वो discussion debate में क्या है कि एक पार्टी ही अपने आप को लेकर पहुँचेगी कि साहब मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन discussion में क्या है कि सारे लोगों की सही सी बात होंगी, वो मान के हम एक नए कंक्लूजन पहुँच जाएंगे। और हो सकता है group discussion end करे वो side of grave end करे, मतलब किसी भी बात में कंक्लूजन कोई ना पहुँचे, ये भी हो सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बता ही चुका हूँ आपको, थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड गॉट समथिंग, थैंक यू।